सबसे पहले मैं मंच के ऊपर बैठे हुए सब हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, क्योंकि मैं ये मानती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके डीडवाना के श्री यूनुस खान जी, जिला अध्यक्ष और अब दातारामगढ़ के प्रत्याशी श्री हरीश कुमावत, मंच पर उपस्थित हमारे साथ माननीय शंकर सिंह जी दीपपुरा, संध्या जी भाटी और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे हैं बीरम देव सिंह जी, और मंच पर ऊपर बैठे देखूं और मैं कौन कौन है, और मनोहर सिंह जी भी आ गए हैं, तो मनोहर सिंह जी भी, और मेरी तरफ से सब सामने यहाँ बैठे हुए प्रेस के लोग, सब महानुभाव आपके यहाँ क्षेत्र के, और यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, युवा शक्ति, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज यूनुस के इस फॉर्म के लिए मैं चल के जयपुर से आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि ये डीडवाना से नागौर का काम अपन शुरू करेंगे। डीडवाना से आज हम नागौर का ये काम चालू कर रहे हैं, ये शंखनाद इस चुनाव का डीडवाना से का यहां से हमने शुरू किया। या तो मैं नागौर फिर आपके मकराना जाते हुए फिर वापस जाऊंगी, परंतु मेरा मानना यह है और मैंने हमेशा माना है कि राजस्थान का दिल है ये नागौर, और इस नागौर के क्षेत्र से मैंने परिवर्तन यात्रा जब चालू की थी तब मैंने आप सबको नागौर के अंदर वादा किया था कि सब लोगों को, इस नागौर क्षेत्र के लोगों को जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है उसको हल करने का मैं काम करूंगी। 5 साल के अंदर जो जो बातें आपको कही थी उसको पूरा करने की मैंने कोशिश की, और आज मैं बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हूं आपकी मेन रोड जो है सड़क अंदर की उसकी क्या हालत है। आप लोग इसके ऊपर रोज चलते हो क्या? आप लोगों का जो MLA है उसके सामने अपन ने कभी कोई बात नहीं करी क्या? 5 साल इस तरीके से आप लोगों ने निकाला है। मैंने आपके मेन रोड के ऊपर ऊपर खावड़ तो आपका मेन रोड है, उसके साइड में जो आपकी नालियां हैं वो जो भरी हुई है, इस शहर के बीच रास्ते से आप लोगों को निकलना पड़ता है, तो मैं तो समझती हूँ कि नगर के लोग तो ये MLA को रोक के ये तो कहेंगे कि ये तो कर लो और कुछ नहीं तो इसी को साफ करके रखवा दो, तो एटलीस्ट जो हमारे यहाँ लोग आते हैं उनके सामने हमारा सिर शर्म से नहीं झुकेगा। यही हटा दो, हाँ उन्हीं का है वो। देखो यहाँ मेरे बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं सब मेरे भाइयों से ये पता करना चाहती हूँ कि हम लोग सब आने वाले समय के अंदर अपने दिल के अंदर क्या चाहते हैं। मेरे मन में तो ये लगा जब पूरे राजस्थान का दौरा मैंने किया तो एक एक व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारा प्रदेश का भी नाम उसी समय में लगा दिया जाए जिस तरीके से आज गुजरात का नाम है, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश का नाम है, उस तरीके से राजस्थान भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसा आप कहीं तरीके से प्रयोग करके हमें करवा दो तो हम खुश हो जाएंगे। यह हमारे बच्चे और आप लोग सब टेलीविजन देखते हो, टेलीविजन के अंदर आप देखते हो कि हमारा प्रदेश अलग अलग प्रदेश कैसे बढ़ रहे हैं, आप देखते। अरे भैया प्लीज 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ ना। आप लोग सब ये देखते हो कि दुनिया कैसे कहां बढ़ गई, जब आप देखते हो कि दूसरे दूसरे प्रदेशों के और दूसरे दूसरे देशों के दृश्य, तो आपके मन में यह लगता होगा कि हमारा देश ऐसा क्यों नहीं। यहां से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, तो जब बाहर जाते हो वापस आते हो तो देख के आते हो कि वहां क्या है और यहां क्या है, और आपको यह लगता होगा कि हम अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते कि 65 साल से इस कांग्रेस ने हम लोगों को झगड़े के अंदर ऐसा उलझा के रखा है कि हम एक दूसरे के गला काटने में लगे हैं, और हमने कभी यह नहीं सोचा कि इस तरीके से ही उनको 65 साल का राज मिल गया। मोदी जी सही कहते हैं कि मैं हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूं, क्या आपको आपका झगड़ा या आपकी लड़ाई मुसलमानों से है कि विकास क्या चाहते हो आप? आपका झगड़ा गरीबी से है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसका झगड़ा है गरीबी से, चाहे जाट हो चाहे राजपूत, उसका झगड़ा है गरीबी से, चाहे वो गुजर हो या मीणा, उसका पूरा झगड़ा है तो गरीबी से, चाहे वो SC हो या ST हो, झगड़ा है तो गरीबी से, एक दूसरे से कहां है झगड़ा?
विकास के झगड़े में फंसा के रखा हुआ है और कांग्रेस बीजेपी बीजेपी करती रहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे अगर कोई पापी है, जिस पापी ने ये 65 साल से हमारे इस देश को गड्ढे में डाल के रखा है, तो वो कांग्रेस है। और एक मिनट भी अपने को उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उतार के उस गड्ढे को उनको नीचे उतारो, तभी इस देश का उद्धार होगा। और इस देश के साथ साथ इस प्रदेश का तभी उद्धार होगा जो झूठ बोलते हैं, जो एक दूसरे को लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं। ऐसे लोगों को गद्दी पे बैठने का एक मौका नहीं हमें देना चाहिए। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई भाइयों, ये सब माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं। अरे किसान भाई, आप लोग यहां बैठे हुए हो, खाद और बीज दुगुना हो चुका है, पेट्रोल और डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच गए हैं, टमाटर और प्याज वो कहां से कहां पहुंच गए। अरे आज टमाटर और प्याज, टमाटर 60 रुपए किलो और प्याज आपका 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में क्या कोई जी सकता है? बस प्याज, अच्छा चलो हम तो अभी सस्तों में चल रहे थे, अगर प्याज 150 रुपया किलो तो क्या खाएगा गरीब आदमी, क्या खाएगा गरीब आदमी? मिर्ची का क्या भाव हो गया है? यह है स्थिति। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि महंगाई कमर तोड़ किसानों की क्या स्थिति हो गई है, वो सब मेरे को रो रो के बहुत बताते हैं। आपकी बिजली की हालत देख लीजिए, वादा करते हैं कि 10 घंटे 8 घंटे आपको बिजली देंगे और ट्रिपिंग की वजह आपको कुछ नहीं मिलता है। मैं कहती हूं ना अभी आ रही हूं उस पे, वादा किया है 8 घंटे का, मिल रहा है 4 घंटे वो भी मुश्किल से ट्रिपिंग के साथ। और जो मैं महिलाओं के लिए अलग से 24 घंटे बिजली देने का आपको वादा किया था, तो जाते जाते 18-20 घंटे दे के गई थी। और मैं आपको फिर वादा करती हूँ कि इस 18-20 घंटे की बिजली को वो नहीं आपको दे सके, 24 घंटे बिजली घरेलू हम ला के आप लोगों को देंगे। आपको चिंता नहीं है, पूरे राजस्थान को मिलेगा, यह विश्वास मैं आपको दे के जा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाह रही हूँ कि बांध मैंने पानी का इंतजाम आप लोगों के लिए किया था, क्योंकि नागौर की जनता ने मेरे से सबसे यही कहा था कि मीठा हिमालय का पानी हमको पिलाओ। और मैंने आपको तब वादा किया था कि मैं करूंगी। और अपने टाइम में 2800 करोड़ की बहुत बड़ी योजना, जिस योजना के अंदर हमारे जो भी बड़े शहर हैं, उन सब बड़े शहरों को पानी पिलाने का काम हम करने वाले थे। 1384 गांव और 11 कस्बे, 11 कस्बों के अंदर पानी मिलना था। हमारे फर्स्ट फेज में 761 करोड़ रुपए का जो पहला फेज की स्कीम थी, उसमें 450 करोड़ रुपए ही ये लोग खर्च कर पाए। पर मैंने जाने के पहले नागौर को तो पानी पिला के छोड़ा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो 10 कस्बे बाकी बच रहे हैं, उनको भी मीठे पानी पिलाने का काम हम लोग मिलके करेंगे। ये 5 साल के अंदर कर दिया होना चाहिए था, ये कर दिया होना चाहिए था। ये 5 साल ऐसे खराब हो गए। ये 2800 करोड़ रुपए अब 1000 करोड़ और हो जाएंगे। ये पैसा किसका है? ये इनका नहीं, ये जनता का है। और इस जनता के पैसे को अपने जेब में डालने के माहिर हो चुके हैं ये 65 साल के अंदर। उंगली उठाते किसी और के हाथ और करते सब कुछ अपने आप, अपने जेब भरते हैं, सब कुछ अपना करते हैं। और आप लोगों किसी को ध्यान देने की उन्होंने किया नहीं। मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि पत्थर लगाने में भी माहिर है। ये सब काम हम लोग करेंगे। सोनिया गांधी को ले गए जेल, पत्थर लगा के चले आए। राहुल गांधी को ले गए 12, पत्थर लगा के चले आए। 12 के अंदर मैं बताऊं, उसमें ना तो टेंडर हुआ ना तो पैसे का इंतजाम हुआ, परंतु उन्होंने अपना पत्थर वहां लगा के और हाथ हिला के सबको बता दिया कि चालू हो गया। बांध ही नहीं बना है, बांध ही नहीं बना है और पानी की योजना चालू। इसी तरीके से झालावाड़ में जाके, वहां आपका टर्बाइन तैयार नहीं है, जीएसएस तैयार नहीं है। वहां से तेल लाए, वहां से कोयला लाए, एक दिन के लिए वो टर्बाइन चला दी और सबको ये दिखाने की कोशिश कर दी कि मैंने झालावाड़ की जो बहुत बड़ी थर्मल पावर प्लांट है उसको चालू कर दिया। पूरी जनता जानती है कि कितना झूठ बोला जा रहा है। और इन लोगों से हम लोग सब तंग आ गए, हम सब जवान। मैं तो कह रही हूं कि मेरे को जब समय नहीं है तो इनको कहां समय होगा। मैं खुद कहती हूं कि जिंदगी निकली जा रही है, एक एक पल भारी है। और उस पल के अंदर अगर हमको जो हम चाहते हैं, जो हमने सपना देखा है, वो पूरा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को रखने का मतलब क्या है? ये हम लोग बहुत ही दयालु दिल के हैं, ये करते हैं मसीज मसीज के खून निकालते हैं हमारा। और जब आ जाते हैं टाइम पे तो बोलते हैं साहब एक बार और, हम तो कभी फिर गलती नहीं करेंगे, पैर में पड़ जाएंगे, पैर में लौट जाएंगे, अपनी पगड़ी रख देंगे और पैर पकड़ लेंगे और आप लोग कहेंगे ठीक है एक दफा। ऐसे करके हमारे 65 साल निकल गए। अब समय नहीं है भाइयों,
अब हमारे पास समय नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों का ये कॉलेज, ये कोई अच्छा काम है, भला काम है? इसमें हमारी 600 कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, 110 गांव की लड़कियां आ गई हैं, वो काम कर रहे थे, हम लोगों ने उनको परमिशन दे दिया था। इसको आगे बढ़ाने की बजाय तो पीछे हट गए, कॉलेज बंद कर दिया और कह दिया कि लड़कियां सड़क पे आ जाएं। कैसे लोग हैं? पर वो क्या जाने, आखिर जब अपनी महिला, अपनी बच्ची, अपनी बेटी, अपनी बहू इनकी इज्जत को नहीं संभाल सकते, जब पूरे प्रदेश के अंदर दुराचार और अत्याचार में हमारी महिलाओं को लपेट के रख दिया है, वो क्या समझे? मैं जानती हूँ कि विधानसभा के अंदर ये लोग सब बैठे हुए हैं जिन्होंने विधानसभा देखी, और आप लोग देख रहे होंगे जो व्यवहार करते हैं, और मैं तो ये कहती हूँ, हो सकता है कि मैं महिला हूँ और मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, मैंने कहा इसको कहने दो जो कहना है, जिस तरीके का आप व्यवहार करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि हमारी सबकी इज्जत, हम सब महिलाओं की इज्जत है आपके हाथ, हमारी महिलाओं की इज्जत के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी, और एक दफा इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जो लोग अत्याचार हमारे बहु बेटियों के साथ करते हैं, जिनको समझ नहीं आती कि सभ्य तरीका क्या है, और जो जिस तरीके से भाषा प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चों को यह व्यवहार दिखाना नहीं। हमारा अस्पताल 100 बेड का अस्पताल, कितनी सुविधा मिल गई वहां, कितने स्पेशलिस्ट आ गए, महिला डॉक्टर है,